चिकी भारत की संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। त्योहार चाहे कोई भी हो, हर घर में खाई जाने वाली पसंदीदा चीज है 40 चिकी। चाहे आप घर पर हो या सफर में, इसलिए जय चिकी एंड स्नैक्स के फाउंडर मिस्टर शांतिलाल सावला ने इन्हें भारत के लोगों के लिए बनाने का निर्णय लिया। दुनिया भर और पूरे भारत वर्ष में चिकी के अनगिनत दीवाने हैं और डिमांड हमेशा बढ़ती ही जाती है। इसी बढ़ती डिमांड को ध्यान में रखकर 2 दिसंबर 1992 में हमारे पिताजी ने चिकी बनाने का एक छोटा सा यूनिट मुंबई में शुरू किया। वक्त के साथ बदलते डिमांड को ध्यान में रखते हुए 40 चिकी ने कई बदलाव लाए, लेकिन एक चीज इन्होंने पिछले 24 सालों में बरकरार रखी है और वो है इसकी बेमिसाल टेस्ट और अद्भुत क्वालिटी। भले वो पीनट चिकी हो, तिल चिकी हो या फिर बच्चों की पसंदीदा ड्राई फ्रूट चिकी। हमारे पिताजी ने इस यूनिट को शुरू करने के बाद से अब तक यहाँ कई आधुनिकीकरण किए जा चुके हैं। पिछले साल 7,000 स्क्वायर फीट की इस फैक्ट्री से निकली लगभग 4,60,000 किलो की चिक्की का दुनिया के लाखों फैंस ने लुफ्त उठाया। हर सफल रेसिपी का राज होता है सही मात्रा में मिलाई गई उम्दा सामग्री। यहाँ चिक्की पूरी तरह नेचुरल तत्वों से बनाई जाती है, इसलिए 40 चिक्की भारत के चुनिंदा जगहों से बेस्ट क्वालिटी के रॉ मटेरियल का चुनाव करते हैं, जो इस चिक्की को देते हैं इसकी बेमिसाल टेस्ट। अब आगे चलते हैं। हर चिक्की की शुरुआत होती है बेसिक मिक्सचर से, जिसमें लगते हैं गुड़, लिक्विड ग्लूकोज, चीनी और फिर मिलाए जाते हैं चिक्की की किस्म से पीनट यानी सिंग, तिल, राजगीरा, पीनट पाउडर और ड्राई फ्रूट्स। हर किस्म की चिक्की को ध्यान में रखते हुए इन सारे सामग्रियों को एक फॉर्मुलेटेड तरीके से मिलाया जाता है। इस फॉर्मूले को पिछले 24 सालों से कंपनी ने गुप्त रखा है। अब गुड़, लिक्विड ग्लूकोज और चीनी को इस पॉइंट पर मिलाया जाता है। इस सामग्री को 150 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर गर्म किया जाता है। इस तापमान में सारे इंग्रेडिएंट्स पिघलकर एक तरल पदार्थ बन जाते हैं। फिर इस कढ़ाई को एक दूसरी भट्टी पर रख दिया जाता है, जहां इसे आगे 200 डिग्री सेल्सियस तक उबालकर एक गाढ़ा घोल बना दिया जाता है। अब इस घोल में मिलाते हैं सबसे महत्वपूर्ण चीज, जैसे कि पीनट, तिल, राजगीरा, कुरमुरा, पीनट पाउडर और ड्राई फ्रूट्स। अच्छे से मिला लेने के बाद इस घोल को एक फ्लैट सरफेस पर डाल दिया जाता है। अब चिक्की को बनाने के लिए पारंपरिक तरीके से यानी हाथों का इस्तेमाल किया जाता है और हमें मिलती है हमारी पसंदीदा मीठी क्रंची पारंपरिक चिक्की। 40 चिक्की ने पिछले साल 1,45,000 किलो गुड़, 45,000 किलो लिक्विड ग्लूकोज, 45,000 किलो चीनी, 45,000 किलो तिल, 22,500 किलो राजगीरा, 22,500 किलो कुरमुरा और 1,45,000 किलो पीनट इस्तेमाल किया गया। इतनी चिक्की को अगर एक सीड में रखा जाए तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक के लगभग 4 चक्कर बन सकते हैं। अब बारी आती है क्वालिटी कंट्रोल की, तो आपको बता दें यहाँ चिक्की की गुणवत्ता की जांच खुद कंपनी के MD मिस्टर नैलेश सावला करते हैं। आज 40 चिक्की भारत का दिल बन बैठा है और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि उम्दा टेस्ट और बेजोड़ क्वालिटी की वजह से भारत में ही नहीं पर दुनिया भर के लोगों ने अपनाया है। इनसे हरी झंडी मिलने के बाद चिक्की पैकेजिंग के लिए आगे रवाना कर दी जाती है। पैकेट्स में भरे चिक्की को कन्वेयर बेल्ट पर रखकर इस सेमी ऑटोमेटिक यूनिट से सील किया जाता है। इन नेचुरल क्रंची चिक्की में कोई प्रिजर्वेटिव्स नहीं होते, लेकिन इस पैकेजिंग की वजह से ये अगले 6 महीने तक ताजी रहती है। इन पैकेट्स को बैच वाइज यहाँ मैन्युफैक्चरिंग मार्क किया जाता है और आपकी चिक्की अपने उपभोक्ताओं के पास पहुँचने के लिए तैयार है। 60 चिक्की के पैकेट्स को बॉक्स में पैक किया जाता है। बेहतरीन डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क के जरिए ये पहुँचती है दुनिया के कोने कोने तक। अपने बेमिसाल टेस्ट के चलते 40 चिक्की के प्रोडक्ट्स को अंतरराष्ट्रीय प्रोडक्ट्स के स्तर की पहचान मिली है। 40 चिक्की हर बाइट में मस्ती, जिसे पसंद सारी दुनिया करती। चिक्की पूरी तरीके से नेचुरल प्रोडक्ट से बनाई गई है, इसीलिए हर बाइट में मिलता है कार्बोहाइड्रेट्स, कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन और आयरन। ये एक उम्दा एनर्जी बूस्टर का काम करते हैं। इन्हीं कारणों को ध्यान में रखते हुए स्टेट गवर्नमेंट ने इन्हें अपनी स्कूल में इंट्रोड्यूस किया है और शुरुआत हुई है उल्हासनगर के गवर्नमेंट स्कूल से। 40 चिक्की
भारत का उज्जवल भविष्य को बनाने में सहयोग कर रहा है। भारत का मंत्र है कि वो 2020 तक विश्व का सुपर पावर बने और 40 चुकी इस ध्येय के पास अपना अगला कदम उठाने के लिए तैयार है, पूरे विश्व को अपने चिकी के टेस्ट के दम पे झुकाने के लिए। 40 चिकी, हर बाइट में मस्ती।